सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर में एक बंद पड़े मकान में रात को चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां पर मकान मालिक ने बताया है कि वह देहरादून जोली ग्रांट में परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराने गए हुए थे और मकान पर ताला लगा हुआ था। जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा घर में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और ताले भी टूटे हुए थे। मकान मालिक ने बताया कि चोर अपने साथ घर में रखे जेवरात, नकदी सहित अन्य सामान भी ले गए हैं, जिससे उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके बाद उन्होंने थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। वहीं एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की घटना को जल्दी खोल दिया जाएगा। थाना सदर बाजार के हकीकत नगर मोहल्ले में एक चोरी की घटना हुई है। इसमें जो मेहता परिवार है, यह इलाज के लिए देहरादून गया हुआ था, पूरा परिवार गया हुआ था, घर पे ताला बंद था। और जब वो कल लौटे हैं तो देखा है कि घर में उनके चोरी हुई है। और इसमें आसपास जो कैमरे उनको देखा जा रहा है, बाकी चीज़ें देखी जा रही है। जल्दी इस घटना का, चोरी की घटना का पर्दाफाश होगा। लगभग कितनी नकदी और जेवरात वगैरह क्या कुछ बताया परिवार वालों अभी ने? तो इन्होंने करीब 5-6 लाख का चोरी जाना बता रहे हैं चीज़ें, और इस संबंध में पूरा पुलिस द्वारा मौके का मुआयना किया गया है और सारी चीज़ें देखी जा रही है। जल्दी इस घटना का खुलासा होगा। ठीक उत्तर प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर अज्ञात प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर आतंकवादियों द्वारा उड़ाए जाने की धमकी के बाद सहारनपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। वहीं एसएसपी आकाश तोमर ने कहा है कि धमकी को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाएगा। रेलवे स्टेशन समेत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। देखिए, प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशंस के संबंध में कुछ अज्ञात लेटर प्राप्त हुए थे। इस संबंध में हम लोगों ने एसपी सिटी, सीओ सिटी एवं एसएचओज ने जीआरपी एवं आरपीएफ के अधिकारियों के साथ और एलआईयू के और एएसए के टीम के साथ हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेटेड अभियान चलाया था सुरक्षा इंश्योर करने के लिए। आज भी हम लोग ये अभियान चलाएंगे, जिससे इंश्योर करेंगे कि हम लोग रेलवे स्टेशन तथा मुख्य हमारे ऐसे परिसर जहाँ पर भीड़ भाड़ अधिक रहती है, वहाँ सुरक्षा प्रॉपर हो, और ताकि रूटीन जो हमारा थ्रेट असेसमेंट है और जो हमारा रेडनेस है हमारी फोर्स की, वो भी चेक की जा सके। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ द्वारा प्रांतीय आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया गया, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अगर हमारी लंबित मांगे जल्द ही पूरी नहीं की गई तो वह आगे और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। डिप्लोमा इंजीनियर्स की जो मांग है उसके बारे में एक संघर्ष कार्यक्रम है। मांग जो है सबसे हमारी जो प्रमुख मांग है वो 48वां ग्रेड को प्रदान किया है। इसके अलावा 30 लीटर पेट्रोल प्रति माह जो है हम लोगों को, चूँकि साइटों के काम रहते हैं तो सरकार की तरफ से भुगतान किया जाएगा, ताकि एक पुरानी पेंशन की बात, ये तीन मुद्दे मुख्य हैं। इसी के बारे में हमारा ध्यानाकर्षण का आज एक कार्यक्रम है, जो हम डीएम के माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, और इसके बाद 23 नवंबर को फिर जो हमारा कार्यक्रम होगा तो मंडलों पर होगा, आज प्रत्येक जनपद पर है। इसके बाद फिर 8 दिसंबर को फिर मुख्यालय लखनऊ में हमारा कार्यक्रम, और तब भी अगर सरकार हमारी मांगों के ऊपर विचार नहीं करती है तो फिर हमारी जो कि प्रांतीय काउंसिल होगी और उसमें जो भी निर्णय होगा। सहारनपुर के मानकमऊ स्थित बड़ी नहर व बाबा लाल दास बाड़ा स्थित पावधोई नदी के घाट पर गुरुवार की सुबह छठ व्रतियों द्वारा उगते सूर्य को अघर्य देने के साथ ही छठ पूजा संपन्न हो गई। सभी घाट त्योहारों के रंग में रंगे नजर आए, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अघर्य देकर अपना व्रत तोड़ा।
कीर्तन हो रहा है इस पर भगवान दास में है? फिर तो आप शाम आए ना सवेरे आए हैं। सहारनपुर में बुधवार की रात उर्दू तालीमी बोर्ड उत्तर प्रदेश अंजुमन तरक्की उर्दू द्वारा छत्ता जम्बूदास स्थित एक सभागार में प्रख्यात शायर अल्लामा इकबाल की जयंती के मौके पर विश्व उर्दू दिवस का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आए हुए सभी अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से शमा रोशन कर किया गया। इस दौरान बोर्ड के महासचिव दानिश सिद्दीकी ने कहा कि उर्दू के बिना सेक्युलर किरदार मजबूत नहीं होगा। बोर्ड के अध्यक्ष साबिर अली खान ने कहा है कि जुबानें धर्म की गुलाम नहीं होती, लेकिन जुबान इंसान की पहचान होती है। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए शायरों ने अपने कलाम से देर रात तक समा बांधे रखा। गुजरेगी जिस तरफ से भी हर सू बताएगी, हर सू बताएगी है फूल किस चमन का ये खुशबू बताएगी, खुशबू बताएगी। यूं तो जुबान सैकड़ों दुनिया में है, मगर यूं तो जुबान सैकड़ों दुनिया में है, मगर दुनिया में है मगर तहजीब किसको कहते हैं ये उर्दू बताएगी, उर्दू बताएगी। मेरी मिल्लत का वजूद खुदा महफूज रखना, मेरी मिल्लत का वजूद हर कदम पर मसलकों की एक नई दीवार है।